कैसे हो आप सब। मैं प्रीति शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति शर्मा क्रिएटिव में। तो गाइस कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब आप लोग सब अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो गाइस आज आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। आप लोग समझ सकते हो इम्पोर्टेंट मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो यस कोविड अभी आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो अभी वैक्सीन नहीं लिए होंगे, तो मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गारंटी मांगते हैं। आज हमारे पास मतलब हमें फ्री में मिल रहे हैं वैक्सीन, इसीलिए हम उसका इम्पोर्टेंस या उसका वैल्यू नहीं कर पा रहा है। बट वो चीज़ अगर जब हम पैसे से या फिर अमाउंट वगैरह पे करके जब मिलने लगेगा, तब हमें उस चीज़ का इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि वो कितना इम्पोर्टेंस चीज़ था। क्योंकि सरकार है वो हमारा सेफ्टी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन कोविड मतलब वैक्सीन या फिर कोविड शील्ड आप लोग को जो भी लगाना हो आप प्लीज़ लगा लीजिए। क्योंकि अभी तीसरा लहर अभी बाकी है। अभी दो लहर में तो आप लोग हम लोग सब देखे कि बहुत सारे जगहों पर कितने लोग हैं जो अपना जान जिस कोविड की वजह से जान गई है। तो सोच सकते हो कि क्या हाल हो सकता है तीसरा लहर में। तो प्लीज़ ज़रूरी नहीं है कि कोई भी खतरा हमारे पास से होकर ही गुजरे, हम क्यों ना उससे पहले से ही प्रिपेयर रहें, वैक्सीन वगैरह लगवा लें। तो मैं वैक्सीन एक्चुअली लगवा चुकी हूँ, मेरा पहला डोज हो चुका है, सेकेंड डोज मेरा नेक्स्ट मंथ में आने वाला है, तो मैं वो भी लगा लूँगी। बट आप लोग से रिक्वेस्ट है गाइस कि प्लीज़ आप लोग भी वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि आप लोग सोच नहीं सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। पता है जब मैं वैक्सीन लगवाने गई थी तो मेरा कोविड टेस्ट भी हुआ था, तो जो टेस्ट होता है ना वो प्रोसेस भी बहुत पेनफुल होता है, सच में बहुत पेनफुल होता है। जब वो नाक के अंदर या फिर मुँह के अंदर वो जो किट आता है जिसे चेक करते हैं वो डालते हैं ना, तो सच में मैं तो रोने लगी थी, तो बहुत ज़्यादा। इसलिए गाइस मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं तो प्लीज़ वैक्सीन जा कर के ले लीजिए, और बस अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। क्योंकि हम बीमारी से लड़ना है, बीमारी से नहीं, तो बीमारी से लड़िए और हम लोग पूरे तैयारी के साथ। तो प्लीज़ आप लोग भी वैक्सीन ले लीजिए, हम आपसे इतना बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी सेफ रहें। कहीं से भी कोई भी न्यूज़ आती है, यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, न्यूज़ के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, कोई भी चीज़ के थ्रू अगर हम ये सब न्यूज़ आते हैं तो सच में बहुत बुरा लगता है, सब लोग के लिए बुरा लगता है। मेरे भी बहुत सारे फैमिली है, एक दो फैमिली है जो कोविड की वजह से डेथ हुए हैं, तो बुरा लगता है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वैक्सीन ले लीजिए, बस और कुछ नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थोड़ी सी मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी, मैं वैक्सीन लेने गई थी तो मैंने क्लिप बना लिया था छोटा सा। तो चलिए, तो अभी मैं रास्ते में हूँ, अभी वैक्सीन लेने जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं।
हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच गए हैं और थोड़ी देर के बाद हमें वैक्सीन लगेगी। बट वैक्सीन लगने से पहले हमें हम जितने भी लोग थे सबकी कोविड टेस्ट भी हुआ था, तो कोविड टेस्ट होने के बाद ही हमें वैक्सीन लगा था। तो मैं कोविड शील्ड ली थी, तो अभी ये लाइन में लगी हूँ। सबको एक एक करके पहले कोविड का टेस्ट हो रहा है, उसके बाद हम लोग वैक्सीन लेंगे। बहुत भीड़ भी थी क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए थे वैक्सीन लेने के लिए। यार ये जो कोविड का जो मतलब कोविड टेस्ट का जो प्रोसेस होता है ना, बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मैं तो रोने लगी थी, इतना ज़्यादा होता है। क्योंकि वो जो स्टिक होता है, वो जो नाक में डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो इसलिए आप लोग भी जो लोग नहीं लिए हैं मतलब वैक्सीन, तो प्लीज़ आप लोग ले लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग सब ने वैक्सीनेशन ले लिया है और यहाँ पर 10 से 15 मिनट हमें बैठना था, तो हम लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद अब हम लोग घर जाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।